नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने उबले आलू और गेहूं के आटे की इतनी टेस्टी मठरी बनाकर लाई हूं कि इसे आप एक बार बनाकर महीनों तक खा सकते हैं। होली आ रही है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम सामान से, घर की रखी सामान से बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए दोस्तों, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पसंद आने के बाद लाइक कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैंने गैस में रखा है एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून देसी घी। आप इसकी जगह पे ऑयल भी ले सकते हैं, कुकिंग ऑयल कोई भी, लेकिन आप घी में बनाएंगे तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है क्योंकि हम गेहूं के आटे का बना रहे हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे, जब घी अच्छा गर्म हो जाए तो 1/2 छोटा चम्मच जीरा और 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे। 1 छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है सफ़ेद तिल। इसका क्रंच मठरी में बहुत ही अच्छा आता है। इसे हमें कुछ सेकेंड के लिए भून लेना है सभी चीज़ों को। जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, बहुत ही अच्छे से भून जाए, उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें। तो देखिए दोस्तों, इसे मैंने बहुत ही अच्छे से भूनकर तैयार कर लिया है। तिल का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। उसके बाद हम मठरी को चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक के टुकड़े को दरदरा सा कूट लिया है, इसको डालेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है मठरी में। इसे अच्छे से डालने के बाद अब इसको हमने भून लेना है, जब तक अदरक और जो हमारा हरी मिर्च है उसका कच्चापन दूर ना हो जाए। तो 1 से 2 मिनट तक इसे स्लो फ्लेम पर ही भूनेगा और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे, यहाँ पे लिया है 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हल्का सा क्रश करके डालिएगा। अगर आप चाहें तो इसको तवे पे भून कर फिर डालिएगा तो इसका थोड़ा, और इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे हरी धनिया बारीक कटी हुई। सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे, जब 1 से 2 मिनट तक। और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो बहुत ही अच्छे से सभी चीज़ें भून चुकी हैं। तो यहाँ पे 1/4 कप मैंने पानी ऐड किया है, 1/4 कप पानी ऐड किया है और उसके बाद डाल देंगे 1 छोटा चम्मच नमक। और नमक डालने के बाद इसमें हमें डालना है 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। आप चाहें तो काली मिर्च को कूट कर भी ऐड कर सकते हैं। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर देते हैं और उसके बाद जब पानी में बॉयल आने लगे, अच्छा सा उबाल आने लगे पानी में, तब इसमें हम ऐड करेंगे। यहाँ पर लिया है मैंने 1 कप गेहूँ का आटा, तो इसको डाल देंगे और इसको डालकर अच्छे से हमें 2 से 3 मिनट तक स्लो फ्लेम पर अच्छे से इसको भून लेना है। तो इस तरह से भूनने से ना जो हमारी मठरी है बहुत ही टेस्टी बनती है। और यहाँ पे लिया है 1/4 कप मैंने डाला है सूजी, लगभग 4 बड़ा चम्मच सूजी है। इसको डालने से मठरी और भी क्रिस्पी बनेगी। अब सभी चीज़ों को हमें स्लो फ्लेम पे ही 2 से 3 मिनट तक भूनना है, या तब तक जब तक आटे का जो कलर है थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। ऐसे भूनने से ना हमारी मठरी ऑयली बिल्कुल नहीं बनती है, ज़्यादा तेल नहीं पीती है क्योंकि हम ये गेहूँ के आटे से बना रहे हैं। तो ये अगर आप इस तरह से भून के बनाएंगे तो मठरी बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेगी, बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होगी। तो देखिए, इसे हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लिया। आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा चेंज हो चुका है। इसे हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे या थोड़ा सा, जब तक ये थोड़ा ठंडा ना हो जाए। और फिर उसके बाद इसे हम एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इसे हम निकाल लेते हैं और उसके बाद इसको हम गूथेंगे। और यहाँ पे उसमें आलू बॉईल करके रखा है, उसको भी ऐड कर देते हैं। तो 2 देख सकते हैं मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू है। आलू को उबालकर, ठंडा हो गया था तो छील कर लिया है। इसको हम बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। आप इसे ग्रेट ही कीजिएगा, मैश मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें हमें बड़े टुकड़े बिल्कुल भी नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी मठरी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे हम सभी आलू को, दोनों आलू को पहले ग्रेट करके तैयार कर लेते हैं। कोशिश कीजिए इसमें बड़े टुकड़े बिल्कुल भी ना रहें। तो यहाँ पे देखिए, हमने आलू को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रेट करके तैयार कर लिया है। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करके इसका हमें एक डो तैयार करना है। इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है दोस्तों, इसी तरह इसे हमें गूंथना है। तो इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और गूंथ कर तैयार कर लेते हैं। अगर आपको लगे कि आपका आटा गीला हो रहा है तो आप इसमें सूखा आटा ऐड कर सकते हैं, और क्योंकि ये आपके आलू के मॉइस्चर पे डिपेंड है, थोड़ा बहुत आटा लग सकता है। तो इसको हम पहले अच्छे से गूंथ कर तैयार कर लेते हैं। और इसको हमें थोड़ा सा सख्त, जैसे मठरी के लिए बनता है उसी तरह से इसको गूंथना है। और आप देख सकते हैं इसको हमने बहुत ही अच्छे से मसल मसल कर गूंथ कर लिया। और इसमें देखिए थोड़े थोड़े से जाली जैसे हैं, ये इसकी पहचान होती है कि इसे हमारी मठरी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो हमें थोड़ा सा पूरी से थोड़ा सा सख्त हमें आटा तैयार करना है। तो आलू से आपको लगे कि आपकी जो आटे हैं, जो आटा हो गीला हो रहा है, तो इसमें सूखा आटा ऐड ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद कुछ इस तरह से इसकी बड़ी बड़ी हम लोइयां तोड़ लेंगे, क्योंकि इसकी हमें बड़ी सी रोटी बनानी है। तो 1 लोई लेंगे, उसको कुछ इस तरह से चिकना करेंगे, बाकी के हम ढक कर रख देंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एक लोई बना ली है, इसको बाकी को ढक कर रख दिया है और इसको हमें किचन सरफेस पे ही बना रही हूँ क्योंकि इसकी हमें एक बड़ी सी रोटी चाहिए। आप चाहे तो चकले पे भी बना सकते हैं। अब इसको हाथों से पहले ऐसे ही मस लेंगे क्योंकि बेलन से ये थोड़ा सा टाइट होता है तो बनाने में दिक्कत होती है। पहले हाथों से कुछ थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर दीजिए और बेलन को कुछ इस तरह से घुमाते हुए बनाइए, बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने इसे ओवल शेप में बनाकर तैयार कर लिया है। इसकी थिकनेस आप थोड़ी सी पतली या मोटी रख सकते हैं, ये लेकिन थोड़ी सी पतली रहती है तो बहुत ही क्रिस्पी बनती है। और कुछ इस तरह से इसको हम स्ट्रिप्स में काट रहे हैं, आप कोई भी अपने मनचाहे शेप में कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे पतले पतले स्ट्रिप्स में कट कर तैयार करूँगी। इसे हम पहले एक साइड से कट करेंगे और कुछ इस तरह से हम अच्छे से कट करके निकालेंगे और जो साइड वाला छोटा छोटा हिस्सा है उसको हम निकाल कर दोबारा जो हम आटा तैयार करेंगे उससे यूज़ कर लेंगे। बहुत ही आराम से हो जाता है दोस्तों, बहुत ही घर की चीज़ों से बनकर तैयार हो जाता है, कोई भी सामान हमें बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी स्ट्रिप्स हमारी तैयार हुई है। इसी तरह सभी को आप पहले बनाकर तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने एक बैच तैयार कर लिया है, मैं सभी को बना लूँगी एक साथ, फिर इसे हम फ्राई करेंगे तो बहुत ही आराम से झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। और होली आ रही है तो होली में कुछ न कुछ स्नैक्स चाहिए होता है तो सब पापड़ बनाते हैं कुछ न कुछ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने मैं ये उबले हुए आलू और गेहूं के आटे की मठरी शेयर करूं। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ज़रा सा भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कॉमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो हम इसी तरह का पहले सभी स्ट्रिप्स को तैयार कर लेते हैं। जो साइड्स वाला हिस्सा है उसको आप नेक्स्ट जब आप बनाएं उसमें यूज़ कर लीजिए। तो हम इसको पहले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने सभी मठरी को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ पे। कढ़ाई में मैंने तेल पहले से गर्म होने के लिए रखा था। तेल हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए और एक दूसरे से ये बिल्कुल भी नहीं चिपकते एक साथ। आप ढेर सारा रख सकते हैं और कलछी की मदद से इसको डालिए और इसको थोड़ा सा एक बार हिला दीजिए ताकि जो अगर चिपके हों तो निकल जाए, बहुत ही आराम से निकल जाते हैं। अब इसे हमें स्लो फ्लेम पर अच्छे से पकाना है। जब डालते समय गैस का फ्लेम मीडियम कीजिएगा, तेल अच्छा गर्म होना चाहिए लेकिन उसके बाद इसे स्लो कर दीजिए और स्लो फ्लेम पे ही इसे हमें पकने के लिए छोड़ना है। बीच बीच में चलाते जरूर रहिए ताकि सभी मठरी का कलर एक जैसा आए। और इसे लगभग पकने में 7 से 8 मिनट लगते हैं दोस्तों, तो थोड़ा पेशेंस के साथ पकाइएगा तभी ये बहुत ही परफेक्ट पकेंगे। डालते समय आपको लगेगा कि ये टूट रहे हैं लेकिन बिल्कुल आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे ना, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। मैंने फर्स्ट बैच डाला तो मैं भी घबरा गई कि ये टूट रहे हैं, बट यकीन मानिए उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हमारा जो मठरी है बनकर तैयार हो चुका है। उबले हुए आलू, आलू तो सभी के घरों में होते हैं, गेहूं के आटे की रोटी हम बनाते हैं वो भी हमारे घर में अवेलेबल होती है। बहुत ही झटपट से आप ये हेल्दी स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं, इसमें कोई भी मैदा नहीं है। गेहूं के आटे का ये हेल्दी स्नैक्स बनाकर रख कर आप महीनों स्टोर करके खा सकते हैं, बच्चों को जब भी छोटी मोटी भूख है उसमें दे सकते हैं। तो देख सकते हैं आप इसका कलर कितना अच्छा आया है, इसी तरह आप सभी को बना लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की नई नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो यहाँ पर हमने सभी मठरी को कर लिया है तैयार, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी हमारी गेहूं के आटे और उबले हुए आलू की मठरी बनकर हो गई है तैयार। इसे आप ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर में भरकर आराम से 1 महीने तक इसका आनंद ले सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों। तो आप इस रेसिपी को कब बना रहे हैं? होली आ रही है तो इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है, ठंडा होने के बाद यह और भी क्रिस्पी होता है। तो इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।